हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यस सर्स करिज्मेटिक केमिस्ट्री। होपफुली आपने हमारी पास्ट की वीडियोस को कम्प्लीटली देखा होगा और अब आप यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो हम जहाँ पे रुके थे लास्ट टाइम वो था क्लास पे, क्लास पाइसेस और क्लास साइक्लोस्टोमाटा, ये हम कंप्लीट कर चुके थे। सो आज जो हम कंटिन्यू करेंगे वो रहेगा क्लास एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्लास एम्फीबियंस। तो जनरल उनका एक पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो जी हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये जनरल स्ट्रक्चर है हमारे, किसका टोड़ बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। टोड़ क्यों बोल रहा हूं क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों ने फ्रॉग ऑलरेडी जानते होंगे कि फ्रॉग होता है, जानबूझ के मैं टोड़ लिखा हूं सूरज की आपको पता रहे कि दोनों सेम दिखते हैं, ठीक है। इनके बीच का बेसिक फर्क रहेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पे है ये इनका आय, इसे ब्लू में लिखता हूं मैं, ये है आय, ये है इनके फीट अपेंडेजेस, ये पूरी बॉडी को ट्रंक बोलते हैं, ट्रंक यहां पे प्रेजेंट है टिम्पैनम, टिम्पैनम ये माउथ, ये स्किन ऊपर की जो आप देख रहे हैं स्किन, ये फोर लेग हैं पीछे के पैर उसके। तो इस तरह से कोई जनरल आपका एक स्ट्रक्चर किसका दिखता है आप लोग को, फ्रॉग का, ठीक है। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसे हम थोड़ा पढ़ लेंगे डिटेल में। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जनरली इनमें दो आपको नाम लिखने हैं, देखिए एक है लार्वा एक है एडल्ट, और एक एडल्ट। जो लार्वा है वो सिर्फ और सिर्फ वाटर में रहता है, उसका पूरा जो रेस्पिरेशन होता है वो किसमें होता है, वाटर में होता है, ये ध्यान रखना आपको। वहीं पे ये जो हमारा एडल्ट फ्रॉग होगा, जैसे कि आप लोगों को पता है मैंने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो फ्रॉग होता है वो लार्वे, हम ह्यूमन जैसा डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस नहीं करता, वो लार्वे के फॉर्म में करता है। सो लार्वा जो रहता है वॉटर में रहते हैं, वो वहां पे रेस्पायर करते हैं। तो वो कैसे वॉटर में, ये कहां पे, बोथ लैंड एंड वॉटर में रेस्पायर कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, अपनी स्किन के थ्रू, ठीक है, ये स्किन के थ्रू ये रिस्पायर करते हैं, ये ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट चलते हैं, अब देख रहे हैं एक ये पेयर ऑफ अपेंडेज हो गए, ये एक और, सो टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, प्रेजेंट, ठीक है।
अब देखिए एक्सोस्केलेटन में बार बार बोल चुका हूँ कि एक्सोस्केलेटन मतलब हमारे आउटर बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सोस्केलेटन आर एब्सेंट, क्यों एब्सेंट होगा? अगर एक्सोस्केलेटन यहाँ पे अगर आ गया तो ब्रीथ कैसे करेगा? तो लॉजिक आता है यहाँ पे कि एक्सोस्केलेटन तो एब्सेंट ही होना चाहिए। वहीं पे जो स्किन होती है वो स्लाइमी होती है, स्लाइमी मतलब फिसलती हुई रहती है, ठीक है? तो फिसले मतलब यहाँ पे स्लिपी इसकी स्किन रहती है। फूड, अच्छा यही टोड में, टोड क्या होते हैं? वो जनरली बड़े होते हैं फ्रॉग से। सो जनरली हम जो बारिश में देखते हैं जो बड़े बड़े हमको दिखाई देते हैं हमारे, जनरली अगर हम विलेजेस में विजिट करते हैं वो टोड्स होते हैं। फ्रॉग छोटा होता है, फ्रॉग शाइनी रहता है, उसका जो ये स्किन है वो ज्यादा शाइन करता है, रफ नहीं रहता। अगर बहुत रफ है जैसे कि जैसे बोलते हैं दस्ते सा उबड़ खाबड़ दिख रहा है तो वो टोड है। और वो जो बड़ा वाला एकदम दिखता है आपको कि जो बहुत बड़ा आवाज कर रहा है बारिश में, वो टोड रहेगा। तो फ्रॉग स्मॉलर, टोड बड़ा वाला, तो हम दोनों देखते हैं कि हम सबको फ्रॉग ही बोलते हैं। तो ध्यान रखना है फ्रॉग छोटा रहता है, तो ये बेसिक है। और इसकी स्किन क्या रहती है? टफ रहती है एज कंपेयर टू हमारे फ्रॉग से, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट कि इसके अंदर नेक एब्सेंट होता है। तो जैसे कपिल शर्मा शो में बोलता है बिना गले वाला इंसान ही है। सो यहाँ पे ये क्या एब्सेंट है? नेक, ट्रंक प्रेजेंट होता है। ट्रंक मतलब क्या? बॉडी होता है, ठीक है। तो ट्रंक प्रेजेंट है इसके अंदर। और कौन सा रीजन गायब है इसके अंदर? ये पूरा हेड वाला जोन है, यहां से पूरा हेड जोन। सो नेक गायब है। ईयर इज ऑल्सो एब्सेंट, उसकी जगह पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना टिम्पैनम, ठीक है, टिम्पैनम होगा। ये क्या काम करता है? सेम हियरिंग जैसा ही काम करता है, लेकिन प्रॉपर ईयर नहीं रहता, ये ध्यान रखना है आप लोग को। अब इसका फंक्शन भी आप लोगों को पता है। अब देखिए जो आईज है वो, उसकी आईज कैसी रहती है? कंप्लीटली आईज प्रोमिनेंट होती है, प्रोमिनेंटली प्रोट्रूडेड दिखती है। प्रोट्रूडेड मतलब बाहर निकली हुई, जैसे वो बोलते हैं ना एक होता है चौकी हुई आंखों जैसा, तो चौकी हुई आंखों जैसा इसका कुछ दिखाई देता है। और उसके ऊपर लिड रहता है, लिड जैसे कि एक कवर कर लेता है उसको। सो लिड जैसे आप लोग ने जनरली अपने कार के डोर्स देखे कि हम लोग लिड नीचे ड्रॉ कर सकते हैं, वैसा ही लिड रहता है इसके पास। तो ईयर एब्सेंट है, लेकिन ईयर के मतलब उसके पास कौन सा है? टिम्पैनम। आईज है प्रोमिनेंट है, मतलब बड़ी है, दिखते है उसको, और उसके ऊपर लिड प्रेजेंट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब सेवन चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल की तरफ। एक तो टोड हो गया, दूसरा फ्रॉग हो गया, और तीसरा सबको याद रखना है सलामेंडर, इंपॉर्टेंट है। सलामेंडर को लेके सब लोग जनरली ये दिखता कैसा है? छिपकली जैसा दिखता है, लेकिन होता नहीं है वो। सलामेंडर एम्फीबियन को बिलोंग करता है, वहीं पे हमारी जो लिजर्ड है वो बिलोंग करती है रेप्टाइल्स को। तो दोनों में फर्क ध्यान रखना है आपको। तो सलामेंडर इज एग्जांपल ऑफ, मार्क कर देता हूं, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या होते हैं? जो दोनों प्लेसेस पे रह सकते हैं, लैंड एंड वॉटर दोनों जगहों में। सिर्फ मैंने एक्सेप्शन बताया यहाँ पे लार्वा, ये आपको याद रहना चाहिए। इनके बॉडी पार्ट्स को भी हमने मेंशन कर लिया है, टू पेयर ऑफ अपेंडेजेस। एक्सोस्केलेटन है एब्सेंट, लेकिन स्किन कैसी है? स्लाइमी है, सो दैट वो ब्रीथ कर पाए। नेक इज एब्सेंट, ईयर इज एब्सेंट बट टिम्पैनम इज प्रेजेंट। टिम्पैनम क्या काम करती है? सिर्फ हियरिंग के लिए। आईज प्रोमिनेंट है, प्रोट्रूडेड है, ठीक है, और उसके ऊपर लिड प्रेजेंट है। और एंड में आपको एग्जाम्पल लिखना है। तो इतना मैटर आप लोग के लिए सफिशियंट है। ये दोनों सेम नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग को। ये अलग है, ये अलग है, बायोलॉजिकली भी ये लोग अलग है, आप लोग सेम टर्म कॉइन नहीं कर सकते, ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना। तो आज के बाद आप लोग को पता रहेगा कि फर्क क्या है टोड में और फ्रॉग में। सो ये क्लास हमारा हो चुका है, अब चलते हम अपने नेक्स्ट क्लास की तरफ, दैट इज रेप्टाइल।
चलिए सोरेप्टाइल्स देखते हैं हम लोग। अच्छा, आपके बुक में भी जैसा लिखा है, ये परफेक्ट एग्जांपल है इवोल्यूशन का। जैसे कि आप लोग जनरली देख सकते हो कि ये हो, ये पॉसिबल, एक्सेप्ट करना पॉसिबल है। कैसे? जनरली ये जो एनिमल्स रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं, इनकी जो एक हैबिट थी वो थी बरोइंग की। ये बरो करते मतलब क्या, खड्डा खोदते थे ये लोग। सो बरो करके जमीन के अंदर जाते थे जनरली, क्यों, या तो रहने के लिए या तो फिर अपने हंट के लिए जाते थे ये लोग। तो जैसा आपने स्नेक को देखा है, बोरो करके होल्स के अंदर जाके वो छोटे छोटे रैट्स को खा जाता है। तो ये इनकी हैबिट्स थी। तो जनरली क्या हुए, इनकी यही बोरोइंग हैबिट के वजह से लेग्स का यूज था नहीं, तो ये लोग क्या करना शुरू किए, जनरली लेग्स गायब हुआ और वो क्रीप करना शुरू किए। आप लिजर्ड को भी देखे होंगे, इनके पैर छोटे होते जाते हैं क्योंकि उतनी जरूरत नहीं रहती। ये चिपकते हुए जो भी ग्राउंड पर, अगर दीवार को जाए तो चिपक के रहेंगे, जमीन को जा रहे तो चिपक को जाएंगे, अगर आप उठाना चाहोगे तो फिर से जाके वहां पे चिपक जाते हैं। तो ये जनरली स्पेशलिटी होती है रेप्टाइल्स की। सो देखते हैं इनके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं इसमें डायग्राम ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है, हेड टेल और इसके अंदर माउथ का ही बस इतना आपको ध्यान रखना है। एक्सोस्केलेटन यहाँ पे रफ रहेगा, जो इनकी बॉडी है वो अगर ऐसी कुछ दिखाएंगे तो ये रफ दिखेगा आपको, बस इतना सा ही फर्क है। यहाँ पे हमने कंपेयर किया था हमारे फ्रॉग का कि उसका कैसा स्लाइमी था, स्किन था, एक्सोस्केलेटन तो एब्सेंट ही था। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट कैरेक्टर परफेक्ट एग्जाम्पल किसका है, जो हमने बोला था, ऑफ इवोल्यूशन। और वो इवोल्यूशन में क्या हुआ, लेग्स गायब होके क्या आगे क्रीपिंग करने लगे, क्रीप करने लगे। ठीक है, ये याद रखें। सेकेंड, अब ये भी पॉइकिलो, अलग कलर से लिख देता इनको, पॉइकिलो थर्म है, किलो थर्म ध्यान होगा तो मैंने पॉइकिलो थर्म एक और क्लास के लिए आप लोग को पॉइंट किया था, वो था बर्ड्स के लिए। अब रेप्टाइल्स के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि पॉइकिलो थर्म क्या होते हैं। जनरली आपको बुक में क्या लिखा है, कोल्ड ब्लडेड लिख दिया है, कोल्ड ब्लडेड, लेकिन पॉइकिलोथर्म का मतलब क्या होता है, दोज हु चेंज देयर टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग। तो उन्हें हम लोग क्या बोल देते हैं, पॉइकिलोथर्म बोल देते हैं। और हीमोथर्म क्या होता है, हीमोथर्म वो होते हैं जो अपना टेम्परेचर बॉडी का चेंज नहीं करते अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग, अब वो एक ही जैसा रहते हैं। और जिसको याद ना हो कि ये कोल्ड ब्लडेड है, अगर रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड याद ना हो तो आप लोग सिंपल जो बोलते हैं ना इंडियन हिंदू स्टोरीज है कि जहाँ पे शंकर ने अगर वो बोलते ना जहर पी लिया था, पॉइजन पी लिया था, उनके जो नेक में बर्निंग की सेंसेशन आ गई थी, तो उसके बाद उन्होंने अपने यहाँ पे क्या टाई किया था, ना अपना स्नेक उन्होंने टाई किया था। क्यों स्नेक, क्योंकि स्नेक क्या होता है, कोल्ड ब्लडेड। तो आप वहां से याद रख सकते हो कि ये कोल्ड ब्लडेड है कि नहीं। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल जनरली बच्चों के एग्जाम में याद आ जाते हैं तो वो लिख पाते हैं कि कोल्ड ब्लडेड कौन है। थर्ड, अब देखिए उसमें हमारे एम्फीबियन नेक एब्सेंट था, यहां नेक प्रेजेंट है। अब कैसे रहते हैं, ये तो स्केल टाइप पे रहते हैं। स्केल्स मतलब आपने स्नेक को देखा रहेगा, ऐसे उसकी बॉडी रहती है, उसकी बॉडी पर अगर ये मैं उसके ऐसे ड्रॉ करूं तो ये स्केल्स प्रेजेंट रहते हैं, ऐसे स्केल्स प्रेजेंट, या क्या होगा, रफ बॉडी रहेगी और रफ सरफेस रहेगा, ध्यान रखना। फोर, नेक प्रेजेंट होता है, एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट, यहां पे लिखना था ये एक्सोस्केलेटन इज प्रेजेंट, और वो कौन से फॉर्म में होता है, ये फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर ये क्रीप करते हैं, पेयर ऑफ अपेंडेजेस आर प्रेजेंट, किसी किसी में अपेंडेजेस, प्रेजेंट इन सम बट लार्जली एब्सेंट। जैसे कि यहां पे स्नेक, यहां पे लिजर्ड, ध्यान रखना आप लोग। अब सिक्स पॉइंट,
इनके एग्जाम्पल्स भी आप लोग को लिखने हैं। टॉर्टॉइज, लिजर्ड एंड स्नेक, ठीक है। अब और एक चीज क्या इनके देख सकते हैं, ईयर। ईयर भी क्या रहेगा इनके अंदर, एब्सेंट। ईयर इज एब्सेंट। और एक चीज क्या हो जाती है, इनको थर्मल सेंसर्स होते हैं, थर्मल सेंसर्स आर प्रेजेंट। क्या होता है थर्मल सेंसर, अगर रात को ये लोग जाते हैं, अगर जनरली ये लोग कम निकलते हैं रेप्टाइल्स, ये नॉक्टर्नल होते हैं। नॉक्टर्नल मतलब क्या, रात को बाहर आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है लाइट होती नहीं है, तो ये लोग किसके थ्रू अपने प्रे को, ये कैसे उसको सेंसिटिविटी कैसे पहचान पाते हैं, थ्रू हीट। तो वो हीट को पहचानने के लिए कि सामने वाले की बॉडी में कितना हीट है, इनके नाक के सामने एक थर्मल सेंसर रहता है। सो जनरली थर्मल सेंसर्स आर प्रेजेंट और ईयर इनके इनके अंदर बाय फार एब्सेंट रहेगा, ठीक है। अब और एक पॉइंट कि इनके अंदर क्लॉज प्रेजेंट होते हैं, क्लॉज आर प्रेजेंट। लिख देता हूं कहीं और पे, क्लॉज आ। अच्छा, क्लॉज क्या होते हैं जनरली, ये देखिए, अगर हमारे ऐसे खुलने को बंद हो सके, हमारे फिंगर्स बंद या चालू हो जाए, ऐसे इनको मैं बंद कर ले रहा हूँ फिर खोल ले रहा हूँ, तो ये क्लॉज होते हैं। और जनरली आप लोगों ने देखा रहेगा कि ये क्लॉज एनिमल्स हाइड करके रहते हैं, जिनके अंदर अगर शार्प नेल्स होते हैं तो वो हाइड कर रखे, तो वैसी एक्टिविटी को क्लॉज बोलते हैं। सो क्लॉज इनके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। खुद आपने रेप्टा हमारे लिजर्ड के अंदर ही देखा रहेगा कि क्लॉज प्रेजेंट है उसके, आपने अगर ध्यान से देखा रहे तो उसके फोर लिम्स में प्रेजेंट रहता है, फोर लिम्स मतलब आगे के पैर, ठीक है। सो फिंगर्स ध्यान रखने, क्लॉज मतलब फिंगर्स, अगर ऐसे मुट्ठी बन पा रही है तो वो प्रेजेंट है क्लॉज, अगर नहीं बन रही है तो क्लॉज एब्सेंट है। तो ये सब आपको जनरल क्राइटेरिया है किसके बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में। तो हमारा इसी के साथ एम्फीबियन और रेप्टाइल का पार्ट खत्म हो चुका है। अब लास्ट पार्ट बचा है हमारा सिर्फ एप्स और मैमल्स के बारे में, वो इजी रहेगा, वो ज्यादा टफ पार्ट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे देखे तो हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आप लोग उनके बारे में जानते हैं कि कैसे वो लोग फ्लाई करते हैं, या हम मैमल्स के अंदर स्पेशलिटी का, जैसे हेयर्स जहां पे भी दिखे तो वो क्या स्पेशलिटी है मैमल्स की, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग को हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज आप अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और अच्छी लगी तभी इन्हें शेयर करिए, और आप खुद भी इस वीडियो को लाइक करिए, इंगेजमेंट अपना दिखाइए टूवर्ड्स आवर चैनल, और लेट हम सबको एक साथ ग्रो होने का मौका दीजिए। सो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।